ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਘੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਹੋ ਵੀ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ अपने जद्दी पिंड विखे मोदी सरकार उपर गरजे गायक अमृत मान ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲੈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ 40,000 50,000 80,000 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨੀਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ जिस विच अमृत मान जस बाजवा आनेत अते कई होर कलाकारा ने हिस्सा लिया। इस मौके कांग्रेस के MLA प्रीतम सिंह कोटपाई भी इस विरोध प्रदर्शन विच पहुंचे। लोगों वालों उन्हों का डट के विरोध किया गया, उन्होंने स्टेज उपर भी बोल नहीं दिता गया। देखो बठिंडा तो पत्रकार अवतार सिंह कैंथ की रिपोर्ट। एक ठीक है मान साहब बारे देखो मैं भी कुछ कहूँगा, उन्होंने भी पंजाब च उम्र कड़ी है सारी, उन्होंने एक आपकी सोच है, पर अज मैनू लगता कि कलाकारी तो पोलीटिकल तो सारिया चीज़ों के उत्ते उठ के किसानों का साथ देना चाहिए जो कि किसान चाहते हैं, क्योंकि असी किसान असी कलाकार नहीं रह गए हूँ, असी एक आम किसान हाँ, असी अपने खेतों की लड़ाई लड़ते फिरते ना कि असी अपने गीतों की लड़ाई लड़ते हैं। कल तो जी एक तरीक तो आनंदपुर मते नूं लैके गल की जाती है, जे आनंदपुर पता पास हो जाता अच्छ पंजाब च हालात ना बनते की सोचते? बिल्कुल मैं तो यही गल कहना ये जिहड़ियां इह चीज़ां अज सानू कहा जा रहा प्राइवेट करन आनंदपुर के मते जिहदा पहले ही कहता सी कि भाई आपके चार महकमे तुसीं आपके कोल रखो, बाकी सारा कुछ सूबियां दे हिसाब नाल सूबियां नूं दो, साडी असी खेतीबाड़ी है, असी चाहे बाहर बेचिए असी चाहे अंदर बेचिए साडा हक है। सो अज जे असी वो गल करते हैं तो उन्होंने मनी नहीं, अज उही सेंटर सरकार साडे नाल कर रही है, पर इन्हां दे तरीके गलत ने, इन्हां दे करन दे तरीके गलत ने जिहड़े सानू बिल्कुल स्वीकार नहीं, असीं इहदा डट के विरोध करांगे ते करदे रहांगे। मैं बार बार एक ही गल कहना कि अज जवानी च जोश है, सानू एक कप्तान चाहिए जिहड़ा साडे मूहरे लाके चले, वह किसान यूनियन ने आपका फर्ज निभाया तो असीं उहनूं आपका समर्थन दिता। एक लीडर जदों एक मंच ते आजूगा तो सारी जवानी लामबंद होकर उहदे पिछे चलूगी। पहला भी लीडर बकाऊ हो गए सी, पहला भी लीडर जिहड़े आ उह मन्ने लीडर बकाऊ हो गए सी, इस करके जिहड़ा आ उस समय भी संघर्ष नूं गोरा लग्गिया सी, हुण किवें देखदे? पर उह जिहड़े पहले संघर्ष होए ने उह संघर्ष सीगे, असीं इज्जत करदे आ सारे संघर्षां दी, पर अज इह मुद्दा जवानी दा है, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। थैंक यू रखी तो हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है, एक राह भी चल रही है, तो जिहड़ियां रेवोल्यूशन होंदियां वो इदां ही होंदियां, शुरू इदां ही होंदियां गईआं, ठीक है। तो अज सारा पंजाब इकट्ठा होया, सारा हरियाणा इकट्ठा होया, डेफिनेटली असी ये जिहड़े बिल है ये कैंसल करा के हटांगे, ये जिन्ना चिर नहीं होंदे असी ये धरने जारी रखांगे, तो बहुत जल्दी असी एक मंच ते इकट्ठे होवांगे। इस लड़ाई में जित सकिए और जेडी अगली मेरी गल है रिलायंस के पंपा रिलायंस के लाइस जेडे सिम है जो इन्होंने अडानिया अंबानिया के जिन्हें भी प्रोडक्ट है सारिया का एक साडे लोगों को साडी अपील है कि इन्हों का बाइकआउट करो, इन्हों लोगों ने साडी जमीन नूं हड़प्पण लिए सारी प्लानिंग इन्हों के पैरों बनी है और इन्हों पंजाब के घट्टो घट पंजाब चो भारत के जितनी कमाई है इन रोकना ही असं इन्हों पता लगेगा कि साडे लोग साडी गल समझ गए साडी चाल चल चाहुंदियां भी ये जिहड़े प्रोग्राम सफल ना हो, जिहड़े बिल पास हो गए इहदे विच सोध ना हो, जो सेंटर सरकार ने लागू करता वो इन बिल उवें ही लागू रहे, पर यह होना नहीं, क्योंकि पूरा पंजाब नहीं पूरा हिंदुस्तान लामबंद हो चुके है, किसान मजदूर व्यापारी सब जाग चुके हैं, क्योंकि इस बिल का जो नुकसान है वो सारे पब्लिक नूं है, ये तिने बिल जिहड़े है लोक मारू बिल है, असी ये बिल नूं वापस करा के रहेंगे, ये सोध करा के रहेंगे, MSP लागू बिच अटैच करा के रहेंगे, जिहड़ा इन्हां मंडीकरण बोर्ड बाद खत्म करने की गल की है वो असी खत्म नहीं होने देना। मैंने पूरी आस से उम्मीद है कि सरकार नूं एक दिन झुकना पैना बगल के मूहरे और बिल दे विच सोध करूगी, ठीक है।